देश की राजधानी दिल्ली में पानी संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों से पानी संकट की खबर सामने आई। वहीं पानी के लिए मचे हाहाकार के विरोध में दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मटके फोड़े गए। वहीं दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने जल संकट पर दिल्ली सचिवालय में आपात बैठक बुलाई, जिसमें पानी की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें देखिए किस तरह से हाहाकार पानी को लेकर के मचा हुआ है। कहीं पर लोग भागते दौड़ते पानी भरने के लिए टैंकर के पास जा रहे हैं, कहीं पर मटकी फोड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आपात बैठक बुलाई गई दिल्ली सरकार की ओर से। वहीं ये तस्वीर आप देखिए टैंकर के पीछे कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली अब तरस रहा है, हाहाकार दिल्ली में मचा हुआ है। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए किस तरह से प्रदर्शन भी किया गया बीजेपी के द्वारा भी, कांग्रेस के द्वारा भी, साथ ही साथ आपात बैठक भी बुलाई गई। देखिए बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत जो है उसको लेकर के लोग कैसे परेशान होते हुए नजर आए, टैंकर के आगे खड़े हैं बाल्टियां लेकर के, और ये परेशानी कई दिनों से चल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया और नारे लगाए। तो दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की वजह से कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने, दोनों पार्टियों ने कार्यकर्ताओं जो उनके हैं उनके मटके फोड़े और प्रदर्शन करते हुए नजर आए, नाराजगी जाहिर की, दिल्ली सरकार का विरोध भी किया। अब बीजेपी ने जल बोर्ड में घोटाले का आरोप भी लगाया है। पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। जैसे शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली की जो सरकार है वो केवल राजनीति कर रही है। उसका काम शुरू से, जब से वो सत्ता में आए हैं, 200 रुपए करने का है उनका काम रहता है। पहले शीला दीक्षित जी को वो हमेशा कोसते थे, शीला दीक्षित जी के बारे में अनाप शनाप बयान देते थे। जितना पानी आज दिल्ली को मिल रहा है वो भी केवल कांग्रेस के प्रयासों से है, चाहे मुनक में नहर का पानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आ रहा हो, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है इन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। तो दिल्ली में जारी जल संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जल संकट के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा को जिम्मेदार बताया। ये जो नोरा कुश्ती न करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं, और कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक स्तर पर आज प्रदर्शन भी किया है और लोगों को पानी दें, और इस तरह से दिल्ली जो तराई तराई है वही उसका कहीं ना कहीं कभी जल्दी खात्मा होना चाहिए। बहुत लोग दुखी हैं और टैंकर माफिया के को क्यों नहीं नियंत्रण कर सकते, ये तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। एनुअली करीब 437.5 किलोमीटर पाइपलाइंस या तो बदली गई हैं या ठीक की गई हैं हर साल। तो ऐसे ही हमने बहुत, एक लीकेज डिटेक्शन सेंटर है जिसने बीते 6 महीने में 6,000 लीकेजेस डिटेक्ट की, हमने उनको भी ठीक किया। हम लोग, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है, और भाजपा की नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति का ये नतीजा है कि जो दिल्ली के हक का पानी है वो भाजपा की हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। ये बेहद गलत है।
तो जून की इस भीषण गर्मी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाहे सुबह हो या शाम, हर वक्त लोग टैंकर का इंतजार करते रहते हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा। ऐसे में टैंकर से पानी भरने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कई इलाकों में बर्तनों की लंबी लंबी कतार भी देखी जाती है। इस भीषण गर्मी में दिल्ली भीषण जल संकट से जूझ रही है और ये जल संकट कब तक चलेगा इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।